प्रिय विद्यार्थियों, अपन ने राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं के बारे में पढ़ रहे थे, पेयजल और सिंचाई के बारे में। और उस समय कल अपन ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में विस्तार से पढ़ा था कि इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई, इसकी मुख्य जो शाखाएँ कौन कौन सी हैं, कितने चरणों में इसका विस्तार हुआ और इसके लाभ पड़े थे। आज देखिए, दूसरी बड़ी परियोजना है चंबल परियोजना। देखिए, चंबल परियोजना का प्रश्न भी 4 नंबर का आ सकता है। पिछली बार 2018-19 के पेपर में पूछा गया कि चंबल परियोजना का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए, यानी 4 बिंदु दिए, एक साझेदारी, एक बांध, एक महत्व या लाभ, एक ही बात है। तो ये प्रश्न इस तरह से आ सकता है कि चंबल परियोजना का निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। तो अगर 4 बिंदुओं में जैसे प्रश्न पूछे अलग अलग टुकड़ों में, तो अलग अलग उत्तर दिखना है। जैसे साझेदारी, कौन कौन से राज्यों की परियोजना है ये। दूसरा देखें कौन कौन से इस पर बांध बनाए गए हैं। और तीसरा देखें तो इसका महत्व है, लाभ और एक उद्देश्य इसके क्या थे चंबल परियोजना का। देखिए, सबसे पहले साझेदारी देखिए। तो चंबल परियोजना देखिए, वह राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, यानी दो राज्यों की परियोजना है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की। यानी मध्य प्रदेश से चंबल नदी निकलती है, फिर राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान में चित्तौड़गढ़, कोटा, इन जिलों में बहती हुई धौलपुर के बाद यमुना में जाकर उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। तो ये दोनों राज्यों की परियोजना है, सम्मिलित चंद्र वो मध्य प्रदेश और राजस्थान की। इसमें देखिए तो दोनों राज्यों की हिस्सेदारी कितनी है, 50-50% है। यानी दोनों राज्यों की आधी आधी हिस्सेदारी है, 50-50%। जो इस पर बांध वगैरह बनाए गए, जैसे पढ़ेंगे अपन कौन कौन से बांध हैं, जल विद्युत का उत्पादन भी होता है और सिंचाई वगैरह भी इससे की जाती है। तो दोनों की हिस्सेदारी कितनी है, 50-50% है मध्य प्रदेश और राजस्थान की। तो पहला बिंदु अपना पूरा प्रश्न में आएगा कि साझेदारी यानी हिस्सेदारी कहें तो चंबल परियोजना देखें तो दो राज्यों की है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। और इसमें देखें तो दोनों राज्यों की हिस्सेदारी कितनी है, 50-50% है। फिर दूसरा बिंदु देखें बांध। तो इस परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित 4 बांध बनाए गए। जैसे बांध किसे कहते हैं बताइए, कि बहते हुए जल को रोकने के लिए खड़ी की जो बाधा होती है, जिसके अंदर जल क्या किया जाता है, नदी का इकट्ठा किया जाता है, उसको अपन बांध कहते हैं, डैम कहते हैं जिसे। और बांध से कई प्रकार के उद्देश्य पूरे किए जाते हैं, जैसे सिंचाई के लिए भी काम में लेते हैं, जल विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है और पीने के लिए भी विभिन्न नहरों के वो लिफ्ट बांध से निकाल कर जल उपलब्ध करवाया जाता है पेयजल के रूप में भी। तो देखिए, पहला बांध है गांधी सागर बांध। यह बांध देखिए 1960 में मध्य प्रदेश की भानपुरा तहसील में बनाया गया था। यानी पहला बांध देखें तो चंबल परियोजना पर पड़ी थी, चंबल नदी राजस्थान मध्य प्रदेश से निकलती है और उसके बाद राजस्थान में प्रवेश करती है। तो पहला बांध इसमें कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। और ये बांध कब बनाया गया था, 1960 में मध्य प्रदेश की भानपुरा तहसील में बनाया गया था। और ये बांध 84 गढ़ से 8 किलोमीटर एक घाटी में बनाया गया, यानी 84 गढ़ जगह कोई मध्य प्रदेश में, और उससे नीचे देखें तो 8 किलोमीटर नीचे एक घाटी में बनाया गया। और इससे देखें तो 2 नहरें निकाली गई, यानी 84 गढ़ जगह और उससे नीचे बांध बनाए गए और इससे 2 मुख्य नहरें निकाली गई, एक बाई नहर है और एक दूसरी कौन सी है, दाई नहर है। जैसे बाई नहर है वो बूंदी में जाकर मेज नदी मिल जाती है, यानी कोटा के बाद बूंदी में जैसे ये नदी प्रवेश करेगी तो ये यहाँ से गांधी सागर बांध से जो नहर निकाली गई है वो राजस्थान के बूंदी जिले में जाकर मेज नदी, जो कोटा की सहायक नदी है, छोटी नदी, उसमें जाकर मिल जाती है। एक दाई नहर यानी दाई ओर से इसमें निकाली गई, वो पार्वती नदी को पार करके मध्य प्रदेश में चली गई, यानी पार्वती नदी है वो भी इसकी सहायक नदी है, कोटा की छोटी, कोटा वो इसे चंबल की जो कोटा जिले में 12 यहाँ बहती है, और पार्वती नदी को पार करके मध्य प्रदेश में चली गई। यानी पार्वती नदी को पार करने और मध्य प्रदेश में आगे चली गई। यहाँ पर भी देखें तो एक जल विद्युत स्टेशन बनाया गया, यानी जल विद्युत का उत्पादन करने के लिए यहाँ भी देखें तो एक बांध का निर्माण किया गया है। तो ये पहला बांध है अपना गांधी सागर बांध, यानी कुल 4 बांध इस पे बनाए गए चंबल परियोजना पर, और इसमें से गांधी सागर एक मध्य प्रदेश में, बाकी अपन 3 पढ़ेंगे, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज, वो कहाँ बनाए गए, राजस्थान में बनाए गए हैं। तो गांधी सागर बांध देखें ये कब बनाया गया था, 1960 में मध्य प्रदेश की भानपुरा तहसील में बनाया गया था। और ये बांध 84 गढ़ से 8 किलोमीटर पहले घाटी है, नदी घाटी जहाँ नदी बहती है उस क्षेत्र की घाटी में ये बांध बनाया गया।
और इससे भी दो नहरें निकाली गई, एक बाई नहर और एक दाई नहर। और जो बाई नहर है वो तो बूंदी में जाकर कौन सी नदी में मिल जाती है, मेज नदी है, छोटी सहायक नदी है इसकी। और दूसरी दाई नहर देखें वो पार्वती नदी को पार करके मध्य प्रदेश में चली गई है। और यहीं पर देखें तो एक जल विद्युत स्टेशन बनाया गया है, यानी दाई नहर जो पार्वती नदी को पार करके देखें मध्य प्रदेश में चली गई, और यहाँ पर एक जल विद्युत केंद्र भी बनाया गया है। उसके बाद देखिए दूसरा बांध है राणा प्रताप सागर बांध। यह बांध भी देखिए गांधी सागर से 48 किलोमीटर आगे चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात के समीप रावत भट्टा नामक स्थान पर 1970 में बनाया गया था। यानी दूसरा बांध देखिए राणा प्रताप सागर बांध है, क्योंकि चंबल नदी अपन पढ़ें तो जैसे ही मध्य प्रदेश के महू नामक पर्वत वहाँ से निकलती है, और वहाँ से निकलने के बाद मध्य प्रदेश में बहने के बाद राजस्थान में चित्तौड़गढ़ से क्या करती है, राजस्थान में प्रवेश करती है राजस्थान की सीमा में। तो गांधी सागर से 48 किलोमीटर आगे चलें तो वहाँ चित्तौड़गढ़ में एक जगह चूलिया जलप्रपात। जलप्रपात जानते हैं प्राकृतिक रूप से जिसको झरना कहते हैं, यानी ऊंचाई से जल क्या होता है प्राकृतिक रूप से नदी घाटी में क्या होता है उन जो ऊंचाई वाले स्थान होते हैं वहाँ से नीचे की ओर गिरता है। और उसके पास ही देखिए रावत बाटा जगह चित्तौड़गढ़ में, वहाँ पर ये 1970 में क्या बनाया गया, राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया। यानी इससे भी देखें तो जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है और सिंचाई वगैरह की भी इसमें जल वो नहर निकाली गई है, नहरें वगैरह इससे अलग कई क्षेत्रों में सिंचाई वगैरह भी की जाती है। तो यह है दूसरा बांध अपना राणा प्रताप सागर बांध। तीसरा बांध देखिए जवाहर सागर बांध। यानी कई बार छोटा प्रश्न भी आ जाता है कि चंबल परियोजना पर कौन कौन से बांध बनाए गए, नाम लिखे, तो केवल नाम ही लिखने चार बांध हो गए। या फिर बड़ा प्रश्न जैसे ऐसा पूछा गया 2018-19 में, चार नंबर की चंबल परियोजना का वर्णन निम्न शीर्षकों के आधार पर कीजिए, साझेदारी, बांध, महत्व या लाभ या उद्देश्य इसके। तीसरा देखिए जवाहर सागर बांध है, रावत भाटा से 38 किलोमीटर आगे कोटा के समीप, यानी चित्तौड़गढ़ में रावत भाटा से, चित्तौड़गढ़ से नदी कहाँ प्रवेश करेगी आगे, कोटा की तरफ राजस्थान में। और उसके समीप ही देखिए तो बोरावास गांव में बनाया गया, यानी बोरावास एक गाँव है उसके समीप ये जवाहर सागर बांध बनाया गया। और यहाँ एक जल विद्युत शक्ति गृह बनाया गया, यानी यहाँ पर देखें तो जल विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है, यानी विद्युत जल वो विद्युत बनाई जाती है जल इसे बांध के द्वारा, यानी जल विद्युत का उत्पादन हो रहा है इसे बांध के द्वारा जो जवाहर सागर बांध बनाया गया है। तो ये अपना कौन सा है, तीसरा बांध है जो इसे चंबल नदी पर बनाया गया है। और है कहाँ पर ये कि रावत भाटा से देखें तो 38 किलोमीटर आगे कोटा के समीप बोरावास गांव में ये बनाया गया है। और यहाँ पर कि देखें तो जल विद्युत शक्ति यानी ग्रह है, यानी विद्युत जल विद्युत शक्ति विद्युत जल बनाई जाती है, इससे वो विद्युत जल का उत्पादन किया जाता है। तो ये अपन ने तीन बांध इस पे पढ़े आज, एक तो साझेदारी के बारे में पढ़ा, चंबल नदी घाटी परियोजना में अगर बड़ा प्रश्न आता है ऐसा आया भी प्रश्न, साझेदारी बांध महत्व लाभ या इसके उद्देश्य, तो साझेदारी में तो अपन ने क्या पढ़ा कि दो राज्यों की परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की, और दोनों की हिस्सेदारी कितनी इस पर 50-50% यानी आधी आधी हिस्सेदारी है दोनों राज्यों की जो भी इस पर बनाए गए। दूसरा इसमें अपन बांध के बारे में पढ़ रहे थे तो अपन ने पढ़ा है इस परियोजना पर कुल कितने बांध बनाए गए, चार बांध बनाए गए, और इसमें से तीन अपन ने पढ़े। पहला गांधी सागर बांध है, यह बांध देखें तो 1960 में बनाया गया, मध्य प्रदेश की बहानपुरा तहसील में बनाया गया। और ये बांध चौरासीगढ़ से कितना किलोमीटर पहले, 8 किलोमीटर, यानी कि नदी घाटी वाला जो क्षेत्र है उसमें बनाया गया। और इसमें देखें तो दो नहरें निकाली गई, एक बाई नहर और एक दाई नहर। और बाई नहर देखें वो बूंदी में जाकर मेज नदी मिल जाती है, और दाई नहर देखें तो पार्वती नदी को पार करके कहाँ चली गई है, मध्य प्रदेश में चली गई है। और यहाँ भी देखें तो जल विद्युत स्टेशन भी है, यानी जल विद्युत का उत्पादन होता है। दूसरा देखें राणा प्रताप सागर है, यहाँ गांधी सागर से 48 किलोमीटर आगे चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात के समीप, यानी ये बांध गांधी सागर मध्य प्रदेश में से मेहर 48 किलोमीटर आगे, और वो राजस्थान में गांधी सागर से आगे चूलिया जलप्रपात के समीप रावत भाटा नामक स्थान पर बनाया गया है 1970 में। और तीसरा बांध जो अपन ने पढ़ा वो है जवाहर सागर बांध जो रावत वाटा से 38 किलोमीटर आगे कोटा के समीप बोरावास गांव में बनाया गया। और यहाँ भी देखें तो एक जल विद्युत शक्ति ग्रह यानी जल विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। तो अपन ने इस पर तीन बांध अभी पढ़े
और ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की क्या संयुक्त परियोजना है। इसके बाद इसकी आगे के बारे में पढ़ेंगे, और बांध और इसका उद्देश्य या लाभ।